पीस तो नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मैं उसको चूरा कर रही हूँ। और ये क्या बन रहा है नाजिम? फेस पैक। नाजिम कहीं कहीं से निकाल के ले आता है इस तरह से, तो इसमें डालूंगी मैं आधा लेमन। ये लेमन सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल ये थोड़ा सा डालूंगी और इसमें है ना कोलगेट और फिर क्या, हाँ कोलगेट बस। कोलगेट डाल के इसको मिक्स करना है, तो कोलगेट ऊपर रूम में है, तो चलो हम जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा कोलगेट डालूंगी और आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों खत्म हो गया है जी। ये खत्म खत्म तो हो ही गया है, तो इसमें यूज कर लेती हूँ फिर बाद में न्यू मंगवाऊंगी। न्यू समझ गए राजी नहीं चाहेगा। तो इसमें लेमन, कोलगेट, फिर कोकोनट ऑयल और चीनी, इसको मिक्स करके हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ वो दिखा रहा है कि दिखाई नहीं रहा, तो उसमें हम फेस पे लगा सकते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। और फिर हम 15 मिनट के बाद मुंह धोने जाए ना, तब थोड़ा सा मसाज करके फिर मुंह धोना चाहिए। तो जो डट्स होती है ना पूरे फेस पे, वो बोलते हैं ना पेचिस होते, उसमें ये फर्क पड़ता है, गोरे गोरे नहीं होते, वो पहले से मैं बता देती हूँ। तो ये इसके लिए है, तो अभी राजीव लगाएगा, बस बना रहे। कभी कभी हमें याद आ जाता है तो हम करते, फिर ऐसे मत बोलना कि हम डेली रूटीन में ये करते, वरना तो हम गोरे होते हैं डेली रूटीन करते ना। तो देखो इस तरह से पेस्ट बनेगा। तो चलो अभी हम लगाते हैं और नीचे मैंने आप सबको आगे रेसिपी दिखाई, तो अभी तो वो बन रहा है क्या, 65 चिकन 65 बन रहा है और साथ में पुलाव के साथ खाते हैं उसको। तो मैं थोड़ा बन जाएगा तो आगे दिखाऊंगी आप सबको। और बीच बीच में हम ये कर रहे हैं कि आज है हमारा संडे, तो चलो अभी राजीव लगा ले फिर आपसे मिलते हैं। तो देखो हमारा कोको यहाँ पे क्या करने आया है, देखने आया है। उड़ गई उसकी बर्ड्स, उड़ गई हमारे यहाँ पे छोटी छोटी चकलियाँ। चकली को हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़िया। और राजीव क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साफ कर रहे हैं। इसमें पानी भर के रखेगा, तो बहुत सारी चिड़िया हमारे यहाँ पे आती है। मोर भी बहुत आते हैं ना, बहुत आते हैं मोर भी। तो यहाँ पे पीछे भर के रखते हैं हम यहाँ पे। और देखो ये पौधे खा रहा है फिर उल्टी करेगा। देखो यहाँ पे भर के रख दिया, अब ये साफ करके दूसरा सुबह रख देंगे। वो बारिश के हिसाब से गीला हो जाता है, बारिश आती है ना, और बारिश का टाइम हो चुका है, 4 बजे आती है एक घंटे के लिए बस। चलो अभी हम जाते हैं नीचे, बुला रहे मेरे सासू माँ। देखो इस तरह से फेस में लगाना है और लगा के थोड़ी देर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो राजीव ने भी लगा लिया है और वो सो गया है नहीं देख रहा है बारिश को, कि बारिश आ रही है कि नहीं। और बस तो 15 मिनट तक इस तरह से रख के फिर हम मुंह धोने आए ना, तब हमें थोड़ा सा मसाज करके फिर मुंह धोना है, तो अच्छा हो जाएगा। तो इसे रूटीन में रखना चाहिए, ये अच्छा है पैक, हमने पहले भी ट्राई किया है, तो आप सब भी ट्राई करना और फिर बताना। और हमारे ये हालत पे मत जाओ, सुबह सुबह हमारी हालत ऐसी ही होती है घर के काम में, और फिर हम होते हैं शाम को तैयार। राजीन भी होता है शाम को तैयार। चलो दिखाता हूँ, दिखा दूँ फेस एक बार थोड़ा सा, आधा थोड़ा सा ऐसे रख दे, ये नहीं दिखाने देगा कि उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे लगाया है ना फेस पे। तो और अभी यहाँ पे हमारे टीवी में सूर्य बकरा चालू है, मैं सुबह से रख देती हूँ। और अभी संडे है ना, तो ये घर पे, वरना ये इतना घर पे नहीं होता। कितने बजे आता है तू? पौने 3 बजे तक। हाँ यार उतना तो हो ही जाता है, फिर बस हम खा के सो जाते हैं। इन लोगों का रूटीन है, सब यहाँ पे रात हो जाती है, और मैंने आँख के ऊपर लगा लिया है ना, तो मेरी आँख बंद हो जा रही है, तो फिर हम सो जाते हैं सब। फिर हम कितने बजे उठते हैं? 6 बजे मैं तो नहीं उठती, झूठ क्या बोलूँ, मैं तो कभी कभी सो जाती हूँ कि कोई होता ही नहीं है। टीवी तो बंद कर,
उस मन कर लिए चालू फिर से। कितने बजे हम, वैसे तो राजन 5 बजे तो चला जाता है शॉप पे, है ना, हम तो सोते ही नहीं है, बट हाँ इसके घर में रूटीन है तो कभी कभी हमें भी नींद आ जाती है। वो बोलते हैं ना पूरे घर में सब सो जाए तो हम अकेले अकेले क्या करें, तो इस तरह से तो मेरा भी थोड़ा बहुत रूटीन हो गया है। और बाहर देखो बारिश जैसा हो गया, बारिश आएगी आएगी फाइनल, मैं दिखाऊँ कि आएगी ना। तो चलो अभी राजीन ने एसी भी कर लिया है, राजीन ने उस्मान भी कर लिया है, अब देखेगा उस्मान। देखो यहाँ पे मेरा कोको एंजॉय कर रहा है, कोको बारिश में एंजॉय कर रहा है, रिंसा भी कर रही है और राजीन भी जा रहा है, राजीन तो बाहर ही जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे नाले देखा हो क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे भीगी नहीं रहा हूँ, मैं तो बाहर ही जाके नहाऊंगा, इस तरह से बोल रहा है। और कोको देखो जल्दी ऐसे नहीं, इसमें कैमरा में पता नहीं बारिश दिखती नहीं है, कभी दिख रही है इसमें। रोज फिक्स टाइम है 4 बजे का, मैंने बोला था 4 बजे आएगी बारिश। देखो ये भी नाता है, इसको भी सब पता चलता है कि बारिश किसको कहते हैं। और मेरी हालत तो देखो, मुझे नहाने नहीं जाना, मैं तो टीवी देख रही हूँ। मैंने कल या परसों नहा लिया था तो बस मुझे उसके हिसाब से जुकाम हो गया है, और देखो मुझे पिंपल कितना बड़ा हुआ है, प्लीज इग्नोर माई पिंपल इंग्लिश में, वो सब इंग्लिश इग्नोर माय होल फेस, होल फेस। चलो देखो मैंने अभी, मुझे तबीयत खराब थी, मैंने दवाई जो पी है ना उसमें सब जगह पे पिंपल हो गए, तो रिमसा ऐसे बोल रहे कैसे बोल इग्नोर माय होल फेस। तो बस चलो मैं बैठी हूँ, बारिश को एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पे कोको भी कर रहा है मजा आ रही है और ये लोग ना रहे। देखो अभी हम पीछे की बालकनी में आ गए हैं और बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे ऊपर की जो टेरेस है ना, मैं तो नहीं गई वहाँ पे, सब नहाने के लिए गए हैं और राजीन तो बाहर चला गया उसके फ्रेंड के साथ, और रिमसा और मेरे मम्मी पापा दोनों ऊपर गए, सास ससुर आप समझ तो गए होंगे मैं ये घर में हूँ, तो हम ऊपर गए और देखो मज़ा आ रहा है, बारिश दिख नहीं रही है, बहुत आ रही है बारिश, देखो कैसी आ रही है बारिश, माशाल्लाह आ रही है। अभी यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, अभी डालेंगे ना तो यहाँ पे भी ग्रीनरी इतनी आ जाती है, डाल तो दिया है बट देखो पूरा प्रॉपर हुआ नहीं, अभी कुछ नया डाला है, नया वहाँ पे है पूरा। और ऊपर गए देखो नहाने के लिए टेरेस पे कोकुआ, और ये यहाँ पे आ गया है, पहले सामने मेरे रूम में था एंजॉय कर रहा था, अब यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे बैठी हूँ चूल्हे पे। देखो मेरा भाई मुझे लेने आ गया है और अभी ये बाहर जा रहा था तो मुझे पूछ रहा था जाना है मम्मी के घर पे, जाना है मम्मी के घर पे, तो मैं सोच रही थी कि मैंने फिर बाद में बारिश में इतना नहाई हूँ तो फिर मैं थक गई थी, है ना। तो चलो अभी हम जाते हैं, देखो इसके तो यहाँ पे ये भी गिरा पड़ा है तो क्या बोलते YouTube की फैमिली, क्या बोलते, सलाम कर दो। Assalamualaikum guys, I hope आप सब ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बारिश आज इतनी आई है मैं लेने आ चुका हूँ जी हाँ। तो बस चलो अभी हम जा रहे हैं मम्मा के पास, देखो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर पे और मेरी मम्मा है नहीं, मैं कब से यहाँ पे हूँ, मेरे किड्स के साथ मैं खेल रही थी थोड़ी, मैं 1 घंटा बैठी और अब राजीन आए मुझे लेने,
तो जा रही हूँ अपने घर, मेरी मम्मा गई है नानी के घर पे, मेरे पापा वहाँ पे बैठे तो चलो अभी मैं फिर से जाती हूँ, बस एक घंटा रही मैं और वो गई है ऐसे, तो कोई बात नहीं, कल मैं इंशाल्लाह आऊँगी तब मिल लूँगी, तो चलो घर पे। The next day. आप सब ठीक होंगे? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और देखो मेरी सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे हो चुका है और बस कल तो मैं आके सो ही गई थी, बारिश में इतनी भीगी थी ना कि मुझे नींद ही आ गई थी, तो मैं सो गई थी। और देखो अभी अब हमारी सुबह हुई है, कितने बजे? 11 बजे। अभी देखो अभी हम उठे ही हैं जस्ट, तो बस अभी हम नीचे जाएंगे और नाश्ता करेंगे, फिर आगे कहाँ। अभी रिमसा की हमारी सुबह हो गई है, कब से हो गई है, फिर उसने झाड़ू भी लगाया, आधा घंटा लगा झाड़ू लगाने में सिर्फ नीचे ही और अभी उसका कुछ पार्सल आया है तो मैं देख रही हूँ कि क्या आया है, कि फिर हम दोनों को जो पसंद आता है तो हम दोनों नहीं मंगवाती, पहले वो मंगवाती है फिर मैं दूसरा, कि एक ही घर में आता है तो इसलिए। तो ये मुझे पेड़ मुझे भी पसंद आई थी बट उसने पहले मंगवा ली, तो अभी देखती हूँ कि कैसी आई है। ये कलर क्यों ये सब? अच्छी होगी तो मैं रखूँगी वरना देगी। हाँ देखो है ना, अच्छी होगी ना तो ही वो पहनेगी, वरना जो अच्छा नहीं होता ना वो मुझे दे देती है वो। तो अभी उसने मंगवाया है, कल ही मैंने उसको एक भेजा था, वो क्या बोलते रील्स भेजी थी और उसमें लिखा है कि तुम गरीब किस तरह से बनी हो, तो फिर उसमें मीशो फ्लिपकार्ट नायका उसमें से। वाह लंबी तो है ना, रख तो तू ऊपर ऐसे खड़ी होके, शॉर्ट छो उभी रे ना लॉन्ग छो भाई, तुम्हें बताए लंबा लंबा छो ये रख यार आलो जोखम छो, ये प्लाजो है जोखम बड़ा होगा, ये उसमें दिख तो रहा है फोटो में कैसे लूज लूज ही पहनना है, ये तुझे ऐसे आते है मुझे कैसे आएगा मैं तो पूरी ढक जाऊंगी। अच्छी आई है वैसे तो, तू पहन सकती है। हाँ हाँ अच्छी है। तो कलर क्यों ऐसा? यही कलर आज कलर हो तो ना व्याग्रे हो तो भाई ना आज हो तो अच्छा है फोटो बता दो ब्लैक ना तो देखो माँ बेटी की लड़ाई सुन ली वो इस कलर के बाबत में वो थोड़ी बहस हो गई बट नहीं सही है, इसने मंगवाया है सेम ऐसा ही है, अच्छा है। चलो कितने बजे? अभी 5 बज रहे हैं अभी, और दोपहर को खाना खा के मैं आ गई थी अपने घर पे, कुछ काम था इसलिए, और अभी हम आए बाहर तो हमें लगा कि बारिश आएगी, फिर बारिश नहीं आई, धूप आ गई थोड़ी थोड़ी है ना मम्मी, मौसम तो ऐसा है बट फिर भी। और मम्मी देखो क्या रगड़ा खा रही है। हाँ तो मम्मा यहाँ पे रगड़ा खा रही है, रगड़ा। और कयूम भाई मैंने मंगवाई है भेल दही वाली, दही वाली। तो देखो ये माँ बेटा एंजॉय कर रहे हैं और मैं तो खाना खा के आई थी तो अभी मुझे भूख नहीं लगी, वैसे तो 5 बज गए शाम के, फिर भी नाश्ता किया था, खाना नहीं खाया, सही ना सही। क्योंकि हम 12 बजे से माँ बेटे बारी फिर रहे, घूम ही रहे। देखो मेरे बेटे ने कपड़े भी नहीं चेंज किए, उठ के मेरे साथ ऐसे ही आए। नहीं वो तो बारिश के हिसाब से ऐसे पहने, नहीं नहीं सही में बारिश के हिसाब से पहने क्योंकि गंदे हो जाते हैं। झूठ झूठ मत बोल, 12 बजे से तू ऐसे ही मेरे साथ उठ के चल आया। मत करना का मैं करूँगा तो पूरा गिर जाएगा तो चलो बिस्मिल्लाह बोल के ये लोग खाते है, खाओ एंजॉय करो।